हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको शेयर कराने वाली हूँ डेविस फॉल की मार्केट, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बोला था कि मैं आपको डेविस फॉल की मार्केट दिखाने वाली हूँ, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। तो गाइस, ये देखिए, ये है डेविस फॉल की मार्केट। एंड इस ब्लॉग में मैं आपको गार्डन का भी टूर कराने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं मार्केट। लिए नहीं दिख रहा गाइस, ये देखिए, ये मार्केट है, ये सारी मार्केट है डेविस फॉल की। एंड अभी मैं अंदर जाऊंगी, वो है डेविस, ये देखिए, वेलकम टू डेविस फॉल, ये सारी मार्केट है, देखिए। ये एंट्री गेट था, अभी मैं इसे आई थी। ये देखिए, इतनी बड़ी मार्केट है, जहाँ तक चले जाएं वहीं तक मार्केट आपको। ये देखिए गाइस, यहाँ मार्केट, यहाँ से आप काफ़ी सारा सामान ले सकते हो। ये देखिए मेरी लेफ्ट साइड, मेरी राइट साइड काफ़ी मार्केट है। इंडियम करके देख सकते हो। तो गाइस, अभी पता करते हैं क्या कपड़े का है। देखते हो गाइस, मेरे को एक टॉप बहुत पसंद आ रहा है, इसका एक बार देखूं क्या कॉस्ट पड़ेगी। आंटी, इसकी क्या कॉस्ट है? ये रेड वाला 1250 का, नेपाली करेंसी। इंडियन करेंसी में कितने का पड़ेगा? 850 का। ओके, ये सारे गर्ल्स टॉप है ना? ले जाइए, आपको लेना है तो थोड़ा कम करके दीजिए। 6 साल के बच्चे के लिए कोई टी शर्ट वगैरह होगी? नहीं, लड़की नहीं, लड़का है। क्या टी शर्ट? हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, ये वाला नहीं, मतलब ओनली सिंगल टी शर्ट होती है ना। अच्छा ठीक है, फिर मैं अंदर घूम के आती हूँ, फिर लेते हैं, ठीक है? हाँ पक्का पक्का। यहाँ मैंने ये चीज पूछी, बट यहाँ यार बहुत ज्यादा ही कॉस्टली है यहाँ तो, मतलब 1200 रुपए का हद है। गाइस यहाँ भी है, ये देखिए आप, मार्केट तो यहाँ भी है, काफी सारी मार्केट है, अंदर भी है मार्केट, तो इसके अंदर भी है मार्केट तो। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मेरा जो पर्पस था वो यही था कि आप लोग जब भी कभी नेपाल जाओ तो यहाँ से भी देखिए, मार्केट काफी अच्छी, मैं उस टेम्पल में जा रही हूँ, मत खरीद लेना, बिकॉज वहाँ की जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, छोटी से छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिलने वाली है आप लोगों को, इसलिए अगर कोई भी चीज़ लो गाइस तो सोच समझ के लेना। बाकी गाइस, ये जो आप गार्डन देख रहे हो, ये डेविस फॉल का गार्डन है, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको गार्डन का वीडियो भी शूट करके दिखाऊंगी। तो गाइस ये देखिए, ये गार्डन है, बहुत सुंदर गार्डन है। इधर ये माता का टेंपल बना हुआ है, अभी मैं जाऊंगी फिर आपको बताऊंगी। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। हम जा रहे हैं इसके लिए, नेपाली है कुछ, नेपाली सांस्कृतिक पोशाक संग फोटो खिंचा। अच्छा हाँ, यहाँ इनकी कुछ पोशाक होती है उनके साथ, हाँ ये। तो गाइस ये देखिए, ये है यहाँ का कल्चरल स्टैचू, मतलब यहाँ पे इस टाइप के पहले कपड़े पहने जाते थे, लोग पहनते थे, और भी हैं गाइस कई टाइप के। तो इससे मेरे को पता चला कि यहाँ पे कोट पैंट वगैरह, और ये क्या है, मतलब
समझ नहीं आ रहा, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ समझने की। मैन का तो समझ आ रहा है बट वुमेन का कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ये है यहाँ पे, ये भी देखिए गाइस, मतलब और भी कई टाइप हैं यहाँ पे। ये देखिए, और यहाँ पे हमारी एक बॉडी बिल्डर भी मिलेंगे जो कि शायद वहाँ पे कुश्ती वुश्ती लड़ते थे, भी मिलेंगे आपको। ये देखिए, ये है यहाँ पे बॉडी बिल्डर जो कि कुश्ती वुश्ती लड़ते थे, उनका भी स्टेचू बना के रखा है। तो गाइस मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा, मैंने इन पर काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक कराई भी अपने, बाकी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस इस गार्डन में, डेविस फॉल वाले गार्डन में गाइस मेरे को एक बहुत सुंदर भगवान बुद्ध की स्टेच्यू मिली, मूर्ति मिली। और मतलब इस गार्डन में गाइस भगवान शिव की भी मूर्ति थी और भगवान बुद्ध की भी मूर्ति थी, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन था। उसके बाद ये मार्केट है, काफ़ी अच्छी मार्केट है, देखिए गाइस, देखिए सब कुछ मिल सकता है, कपड़े वगैरह यहाँ के कल्चर के।